Hi guys, this is Dr. Amit Kaur Puri, founder and president of AKP Healing India. And today we are going to talk about weight loss in monsoon season. आप बारिश के मौसम में किस तरीके से अपने वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस टॉपिक एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, हेल एंड हार्टी. तो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉक एंड इट विल बी कन्फाइंड टूवर्ड्स वॉट वी हैव टू ईट, वॉट हर्ब्स आर देयर विच वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट इन मानसून सीजन, किस तरह का खान पान होना चाहिए. आपको मैं डाइट चार्ट भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से डाइट को अडॉप्ट करके, प्रॉपर डाइट को अडॉप्ट करके अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और अपने वेट लॉस प्लान को सक्सेसफुल बना सकते हैं इन द सीजन ऑफ इन मॉनसून सीजन. सेकेंडली आई विल बी टेलिंग कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं मॉनसून में वेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है. सो बारिशों का मौसम आ रहा है तो इस टाइम, जैसे कि पहले मैं हमेशा से आपको बोलती थी ग्रीन वेजिटेबल्स हमें बहुत खानी चाहिए, लेकिन मॉनसून के सीज़न में आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं खाएंगे और ऐसे फ्रूट्स नहीं खाएंगे जो कि वाटर रिच फ्रूट्स हों, हम दूसरे तरह के फ्रूट्स खाएंगे. पहले मैं आपको सजेस्ट करती थी वो अगर आपको वेट लूज करना है तो वाटरमेलन, मस्कमेलन खाना है, बट इन द मॉनसून सीजन यू शुड गो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, fruits and vegetables, that I will tell you which kind of fruits and vegetables is good for you during monsoon. In monsoon आपका body में water retention ज़्यादा होने लगता है, तो हमें water retention से weight जो gain होता है वो नहीं होने देना है और हमारा जो weight है वो हमें मैनेज करना है. अगर आप ब्लोटेड महसूस करते हैं खाना खाने के बाद एकदम से, कई बार होता है ब्लोटिंग हो जाती है और पेट एकदम भरा भरा सा लगने लगता है, तो दैट मीन्स यू आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिटेंशन जो कि मॉनसून में बहुत ज़्यादा देखा गया है आमतौर पे. सो लेट स्टार्ट, यू विल स्टार्ट योर मॉर्निंग, जब आपकी सुबह होती है तो आप एक जूस से अपनी मॉर्निंग शुरू करेंगे, शुरुआत अपनी जूस से करेंगे जो कि आपके लिए एक तरह से मेडिसिन का काम करेगी. और वो जूस किस चीज़ का होना चाहिए, वीट ग्रास का. वीट ग्रास आप सभी जानते होंगे व्हाट इज़ वीट ग्रास, जब आप गेहूँ को आप थोड़े से मिट्टी में सो कर दीजिए और 8 दिन बाद वो जो है ग्रास का फॉर्म ले लेगा, है ना, घास जैसा वो स्प्राउट होके घास बन जाएगी वीट की, गेहूँ की गेहूँ जर्मिनेट होगा उसकी ग्रास बन जाएगी और उसको आप लेके वॉश करिएगा, एक हैंडफुल लीजिए, एक बंच लीजिए उसका, उसको अच्छी तरीके से वॉश करके मिक्सर ग्राइंडर में उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए और छान के 30 ml वो लेंगे और एक ग्लास पानी में 30 ml वीट ग्रास जूस को लेके आप उसको कंज्यूम करेंगे. अगर आप ये सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वीट ग्रास जूस लेते हैं तो मॉनसून के सीज़न में आपका वेट मैनेज बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाएगी उसकी और आपका जो इंटेस्टाइन है पूरी अच्छी तरीके से क्लेंज होगा और आपके टॉक्सिन्स जो इंटेस्टाइन में आंतों में जमे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे. अगर आपके पास वीट ग्रास जूस अवेलेबल नहीं है तो आप धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते को लेके उसका भी, उसको पीस के उसका भी जूस बना के एक ग्लास आप ले सकते हैं. थर्ड में आपको जो ऑप्शन बता रही हूँ वो है सफ़ेद पेठे का जूस, ऐश गॉर्ड का जूस आप ले सकते हैं. थोड़ा सा ऐश गॉर्ड दीजिएगा, उसको छिलका निकाल दीजिएगा, उसके सीड्स को हटा दीजिएगा और उसको मिक्सर में पीस के उसका जूस निकालिएगा, उसका जूस भी ले सकते हैं. तो 3 तरह के जूसेस मैंने आपको बता दिए, कोई भी जूस कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है. तो दिन की शुरुआत आपने ऐसे करनी है, फिर आप 20-25 मिनट्स की माइल्ड वॉक करिए, वो बहुत अच्छा रहता है. वॉकिंग करिए या साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट में यू शुड इंक्लूड फ्रूट्स. अब फ्रूट्स कौन से होने चाहिए, आपको वाटर रिच फ्रूट्स नहीं खाने हैं, आपको फ्रूट्स खाने हैं जैसे कि पपाया आप खा सकते हैं. पपाया इज़ वेरी गुड फॉर मॉनसून वेट लॉस प्रोग्राम, यू कैन हैव पपाया एक प्लेट भर के. पपीते का आप खा सकते हैं, पपाया पका भी खा सकते हैं और कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अनानास खा सकते हैं, पियर आप खा सकते हैं, बाबू गोशा आप खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, फालसे आप खा सकते हैं. ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं. इसके साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स आप ले सकते हैं जैसे कि मौसमी आप खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं और कीनू भी खा सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ें आप ले सकते हैं, इनके जूसेस भी आप ले सकते हैं. अब आया लंच का. लंच में मैं यहाँ बोलती हूँ आपको मॉनसून के सीज़न में राइस का इंटेक कम कर देना चाहिए, बिकॉज राइस से अगेन आपको वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है.
फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाना है, आप लेंटिल्स ले सकते हैं, जैसे मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल आप ले सकते हैं, छिलके वाली मूंग की दाल आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोटीन्स को ऐड करेंगी। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आप रागी की रोटी बना के खा सकते हैं, ओट्स जो होता है, ओट्स की रोटी, ओट्स का अगर को पीस लीजिएगा या ओट्स का अगर आटा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ओट्स की रोटी आप लोग खा सकते हैं। दो रोटी ओट्स की ले लीजिएगा और उसके साथ वेजिटेबल या दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, छिलके वाली या छिलके रहित दाल आप ले सकते हैं, मूंग की और मसूर की। इसके साथ साथ आप सैलेड का एक प्लेट खा सकते हैं, सैलेड में क्यूकम्बर, टोमेटो और गाजर, ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। एक प्लेट सैलेड की सब्जी रोटी आप ले सकते हैं और दाल जो मैंने आपको बताई वो। अब शाम को आपको स्नैकिंग करने का मन करता है तो शाम को आप स्नैक्स के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, आप अगेन जैसे स्प्राउट्स ले सकते हैं या चना ले लीजिएगा, चने, काला चना या सफ़ेद चना, उसको भिगा के उसको बॉयल कर लीजिएगा और उसमें आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, एक नींबू निचोड़ दीजिएगा, उसमें आप प्याज काट के डाल सकते हैं, चाहे तो हरी मिर्ची या शिमला मिर्च काट के डाल सकते हैं, उसकी चाट टाइप का बना लीजिएगा और उसमें थोड़े से सीड्स स्प्रिंकल करिएगा। सीड्स बहुत ही एसेंशियल सीड्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन्स के साथ साथ अच्छे वाले फैटी एसिड्स होते हैं, इट हैज़ गुड फैटी एसिड, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी, है ना। तो बॉडी में जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये फैटी एसिड ज़रूरी होते हैं विच आर फाउंड इन सीड्स। तो कौन से सीड्स खाने हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। पम्पकिन सीड्स आप खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं और थोड़ा सा आप सेसमे सीड्स भी ले सकते हैं, सेसमे सीड्स भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है मानसून के सीज़न में। तो यू कैन हैव पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, सेसमे सीड्स, ये बहुत ही, फ्लैक्स सीड्स, ये चारों सीड्स को कंज्यूम आप कर सकते हैं। चिया सीड्स को आप पानी में मिक्स करके भी खा सकते हैं, वो स्वेल हो जाता है और वो ले सकते हैं। तो ये आप रहेगा आपका इवनिंग स्नैक। उसके बाद आप एक दिन में एक बार कैफिनेटेड चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट योर कैफिन इनटेक ओनली वंस अ डे, या तो सुबह आपको चाय अच्छी लगती है सुबह पी सकते हैं या इवनिंग में, डोंट हैव कैफिन बोथ द टाइम। और फिर डिनर के टाइम, डिनर को थोड़ा हल्का करिए, आप सूप्स ले सकते हैं, स्ट्यूस ले सकते हैं, क्लियर वेजिटेबल सूप ले सकते हैं डिनर में, तो सूप लीजिए आप, वो भी क्लियर वेजिटेबल सूप, खूब सारे वेजिटेबल्स को ले लीजिए, कंबाइन कर लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए और उसका क्लियर सूप बना के आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और दालचीनी ऐड करना मत भूलिएगा, इसके साथ साथ थोड़ा सा लेमन भी आप उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, तो इससे आपका सूप बहुत टेस्टी और हेल्दी हो जाएगा। तो यू शुड हैव सूप। तो अगर ये डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई इन योर मॉनसून सीजन, देन यू आर श्योरली गोइंग टू मैनेज योर वेट, मैनेज योर ओबेसिटी एंड रीचार्ज योर सेल्फ, और जो भी वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और आसन जो होता है, आप भुजंग आसन प्रेफरेबल, बहुत प्रेफरेबल रहता है, आप लेट जाइए पेट के बल और इस तरीके से सर गर्दन को उठाएंगे, आपको भुजंग आसन करना है, फिर एक बार सर इधर और इधर आपको ट्विस्ट करना है अपने नेक को, तो उससे क्या होगा कि आपके जो स्टमक होता है वो, उसमें जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो मूव आउट, बोवल मूवमेंट में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। फिर मांडूकासन बहुत अच्छा होता है, आपको ये पाम लेना है, एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रख के अपने नेवल के ऊपर रखिएगा, उसको थोड़ा सा प्रेस करिए और सांस आपको इनहेल करनी है और फिर जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तो आपको एक्सहेल करना है। ये आपने इस तरह से ले लिया, अपने नेवल पे आपने रख लिया, आप इनहेल करेंगे और इस तरह से आगे की तरफ झुक जाएंगे। अगर इस आप क्रिया को, आप मांडूकासन को करते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है आपकी वेट लॉस की जर्नी में, आपकी बेली फैट को कम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, योगा को अडॉप्ट करिए, थोड़ी सी वॉक करिए 20 to 25 minutes, स्किपिंग करिए, सूर्य नमस्कार करिए और जैसे मैंने डाइट बताई वो डाइट लीजिए, हर्ब्स लीजिए, आपको ज़रूर ज़रूर से फ़ायदा होगा। अपने वाटर इनटेक को ज़रूर चेक करिए, तो पानी अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो शरीर आपका टॉक्सिन से फ्री रहेगा एंड यू विल हैव दैट वेरी हेल्दी बॉडी एंड वेरी हेल्दी माइंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, दिस वाज डॉक्टर अमित कौर पुरी, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच एनी अदर थिंग हाउ यू कैन हील इट नेचुरली देन यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बींग हियर, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।
खुश रहिएगा।